तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तैयारियां पूरी तरीके से जोरों शोरों पर है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का घेरा कितना कड़ा है, अब इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार गुफा मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ की जगह भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी को सौंपा गया है। हालांकि घाटी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में आईटीबीपी के साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मुस्तैद रहेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब देखिए बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई भी खामी ना रह जाए, इसके लिए आज सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रायल रन भी किया। जम्मू से बनिहाल के रास्तों पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से जायजा लिया ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना हो। इस काफिले में तमाम ऑफिसर्स शामिल थे। काफिले की अगुवाई खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने की और 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के साथ साथ तीर्थयात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। देखिए अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक हमेशा से मानी जाती है। भक्तों को केवल आस्था की परीक्षा नहीं देनी होती बल्कि कुदरत के कठिन मोर्चों से भी उनको गुजरना होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि श्रद्धालु की यात्रा सुखद हो इसके लिए प्रशासन और जो श्राइन बोर्ड है वो क्या बंदोबस्त कर रही है। पहले ये जान लीजिए कि यात्रा शुरू कब से हो रही है। इसी शनिवार यानी 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और ये यात्रा जो है 31 अगस्त तक चलने वाली है। यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए यात्रा में लंगर लगाने वाली सभा और सोसाइटी पहुंच रही है। बिल्कुल वैभव, पिछली बार बाढ़ के चलते अमरनाथ यात्रा में काफी ज्यादा विघ्न आया था, लिहाजा इस बार बाढ़ की आशंका के मद्देनजर तमाम तरह के बदलाव किए गए, इस बार चेंजेस किए गए। देखिए अमरनाथ यात्रा के बीच में पड़ने वाले बालटाल बेस कैंप में हजारों भक्तों के ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। ये जगह कई लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है। जी हां सरकम, देखिए यही नहीं आपको बता दें बेलगाम के नुनवन में भी हजारों यात्रियों के लिए रहने के तमाम इंतजाम किया गया है। वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा चुके हैं, बस इंतजार जो है यहाँ यात्रियों के पहुंचने का है। यात्रा में सुरक्षा के साथ साथ इस बार जो है श्रद्धालुओं के हेल्थ चेकअप का भी तमाम बंदोबस्त है, इसके लिए हेल्थ कैंप भी बकायदा लगाएगा। बिल्कुल वैभव, सिर्फ यही नहीं श्रद्धालुओं के लिए बिजली, गर्म पानी के साथ लंगरों में खाने का भी इंतजाम किया गया है ताकि किसी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को न हो। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो इंतजाम ऐसे है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत से दो चार ना होना पड़े।